एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क केक की रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दानेदार यमी सा मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। आप खुद देख सकते हैं। तो मैंने ये बनाया है बिल्कुल हलवाई के मेथड से। तो चलिए, क्या क्या चाहिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं, और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, कढ़ाई ली है जो मैंने, वो है आयरन की, लोहे की, जो आपको पता है हलवाई लोग लोहे की कढ़ाई लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध जो लिया है वो है 2 लीटर दूध लिया है। पहले मैंने 1.5 लीटर डाल दिया था, अभी 0.5 लीटर और इसमें ऐड कर दूँगी। तो 2 लीटर दूध मैंने ले लिया है। यहाँ पे दूध जो है वो बिना पानी के मैंने बॉईल किया हुआ दूध है, यानी जो भी आपके यहाँ दूध आता है पानी ना डालिएगा उसमें, बिना पानी के ही दूध इसको आपको रखना है बॉईल करने के लिए। और धीरे धीरे इसको चलाते हुए लगातार आपको उबालना है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसको चला रही हूँ। जब तक इसको लगातार चलाऊँगी, जब तक ये बॉईल ना आ जाए, एक दूध में उबाल ना आ जाए, तब तक इसको मुझे चलाना है। बाकी आज आपके साथ जो इसकी रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं मिल्क केक की, वो एकदम खुद देखिएगा आप, दाने दानेदार जैसे कि होता है ना, मार्केट से भी अच्छा कहीं जाके बनेगा हमारा मिल्क केक, बहुत आसानी से सिर्फ दूध से। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो दूध हमारा है वो 1/3 रह गया है। तो अभी हमें इसको और पकाना है चलाते हुए लगातार। ये नहीं है कि मैं बहुत सी पे खड़ी हूँ, इसी को बार बार चला रही हूँ, बीच में अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो बीच बीच में आप चलाते रहिए, और गैस के फ्लेम को आप ऐसा रखिए कि दूध ऊपर उफने ना, इतना रखना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, दूध हमारा जो है वो आधा रह चुका है। जिस तरह से जो हम रबड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से दूध हमारा रह जाए, तब हमें इसमें एक इन्ग्रीडियंट डालना है, तो वो है नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नींबू का रस लिया है। पहले हम धीरे धीरे करके डालेंगे, और नींबू का रस डालने के बाद हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, धीरे धीरे इसको चलाना है, बहुत धीरे धीरे से, जिससे कि दूध हमारा एकदम से ना फटे, उसके दाने दाने बन जाएँ, धीरे धीरे फटे, तभी हमारा जो कलाकंद, जो कलाकंद नहीं, मिल्क केक जो होता है उसके दाने दाने बन जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, 1/2 चम्मच मैं अब डाल रही हूँ। कुल यहाँ मुझे 1 चम्मच नींबू का रस लगा है। आप जैसे बना रहे हैं और लगता है कि आप 1 चम्मच में आपका ये दूध है वो नहीं दानेदार हुआ है, तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं आप नींबू के रस को। पर यहाँ ध्यान रखना है, लगातार नहीं चलाना, धीरे धीरे इसको ऐड करना है, क्योंकि आप एकदम तेज़ तेज़ चलाएंगे ना, दूध एकदम से फट जाएगा, तो वो नहीं करना है। धीरे धीरे से दाने बनाने हैं हमें, तो धीरे धीरे चलाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बस इतना ही चलाया है और थोड़े थोड़े से दाने बनना शुरू हो गया है। आप आगे देखेंगे कि परफेक्टली हमारा कलाकंद इतने अच्छे से दाने बन गए थे, इतना अच्छा बन गया था, और ऐसा बना था जूसी वाला, ऐसा नहीं था जो सूखा सूखा सा हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको चलाएंगे, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें चीनी। तो चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, जितना आपको कम या ज़्यादा, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और डाल लीजिएगा, मैंने तो छोटी कटोरी जो है वो डाला है। तो उसको डालने के बाद आप इसको चलाने का मतलब आपका काम बढ़ जाएगा, आपको फिर इसको लगातार चलाना है, क्योंकि अभी जो दूध, ये जो पोजीशन होती है ना दूध की, वो है लगने वाली। इस टाइम पे दूध हमारा जो है वो लगने लग जाता है नीचे से, तो इस टाइम हमें लगातार अपने हाथों को आराम नहीं देना है, लगातार इसको चलाना है। और चीनी डालने के बाद तो दूध नीचे से लगने का, जलने का काफ़ी डर रहता है, तो इस जगह पर आप अपना हाथ बंद ना रखना, लगातार इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो फिर ये नीचे जल जाएगा, तो टेस्ट भी बिगड़ जाएगा मिल्क केक का। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको फिर लगातार से चला रहे हैं, क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो दूध और ज़्यादा हमारा जो पतला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दाने दाने दिखा रही हूँ, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं दाने, कलाकंद, वो मैं बार बार कलाकंद बोल जाती हूँ, धीरे धीरे मिल्क केक के दाने बन जाते हैं, क्योंकि कलाकंद भी इसी टाइप का होता है ना, इस वजह से मेरे मुँह से कलाकंद बार बार निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइम पे गैस के फ्लेम को आप मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ये ज़्यादा उछलता है तो हाथ जलने का डर रहता है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, तो आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा ये बनता जा रहा है। लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है, जब तक पकाना है तब तक कि इसका दूध जो है पूरी तरह से जल ना जाए, ठीक है। और एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो फिर एकदम आपका जो मिल्क केक है वो बहुत ड्राई बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पूरा प्रोसेस आप देखिएगा वीडियो को स्किप किए बिना, नहीं तो फिर कोई भी एक चीज़ रह जाती है तो चीज़ बिगड़ जाती है। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि हमारे तो बना नहीं, हमारा तो ये नहीं हुआ। तो पहले आप पूरी तरह से वीडियो को देखा करिए, ठीक है ना, तब चीज़ बनाया करिए। और दूसरी बात, जब भी आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, कोई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपने मन में ये संकल्प लेना है या मन में ये सोचना है कि मैं इसको कर पाऊँगी,
यानी मैं इसको बना लूँगी तो पक्का आप बना लोगे, ये मेरे साथ है। मैं मुझे अंदर से लगता है ना कि मैं ये चीज़ बना लूँगी तो मैं बना लेती हूँ। और तो यहाँ पे देखिए हम इसको लगातार चलाते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है और इसके दाने भी अच्छे से बनते जा रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत हद तक इसका दूध जल चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब घी। मैंने यहाँ पे देसी घी 2 चम्मच ले लिया है। इसके बाद इसको मिलाते हुए जाना है और जब आपकी कढ़ाई एकदम छोड़ने लग जाए, इसको लगे कि अब ये जम जाएगा तो फिर आप इसको बंद कर देना। तो अभी मैं इसको लगातार घी डाल करके चला रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि जो आप में इसमें जो उबाल देख रहे हैं ना वो इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक भगोनी तैयार कर ली है, थोड़ी गहरी सी है, तो उसमें मैंने घी लगा के इसको तैयार किया है। तो यहाँ देखिए अब हमारा परफेक्टली ये बन चुका है। आप देख सकते हैं कढ़ाई ने भी छोड़ दिया है और दिखने से लग रहा है कि अब जम जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा मैंने सूखा भी नहीं किया है, इस तरीके से है। तो अब आपको इसको निकाल लेना है उस बर्तन में जिसमें आपने घी लगा करके रखा है। अच्छे से घी लगा देना, आपके पास सिल्वर का हो, मेरे पास नहीं था, उसमें और ज़्यादा अच्छे से जम जाता है। मेरे पास जो बर्तन था मैंने उसी में ले लिया। तो यहाँ मैंने ऊपर से इसको सेट कर दिया है, ये देखिए इस अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा टैप भी कर दिया है कि ये पूरे इक्वल अच्छे से जम जाए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखनी है एक प्लेट ढक कर के। हमें इसको रूम टेम्परेचर पे यानी किचन के स्लैब पे ही मैं इसको छोड़ दूँगी, इसको ढक करके। इसको ढके क्या होगा, इसको फ्रिज में न रखें। ढके क्या होगा, जो अंदर कलाकंद का कलर आपने देखा होगा, मिल्क केक का सॉरी, वो डार्क आता है ना, वो ऐसे आता है कि आप उसको ढक दें। अब 5-6 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था, ठंडा हो चुका था। यहाँ पर इस तरीके से सेट हो गया है पूरी तरीके से। इसके मैं साइड से चाकू से पहले इसको इस तरीके से छोड़ाऊंगी जिससे कि आराम से निकल आए। बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपरली ठंडा नहीं हुआ है रूम टेम्परेचर पे 5-6 घंटे में, तो और ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ठंडा होना चाहिए तभी ये अच्छे से निकल पाएगा। अब नीचे थोड़ा सा इसको आसानी से निकालने के लिए मैंने एक कुछ सेकंड के लिए गैस के फ्लेम पे इसको भगोनी को नीचे से तपाया है और इस तरीके से हाथ से टैप किया है। और यहाँ देखिए हमारा मिल्क केक निकल आया है अच्छे से, बहुत अच्छा जमा है। आप खुद देख सकते हैं दाना, आपको एक एक दाना इसका दिख रहा होगा, दानेदार कलाकंद। मैं इसे काटूंगी नहीं क्योंकि मैं काट के नहीं दिखा सकती हूँ। एक्चुअली ये मैंने जो बनाया है वो किसी और के लिए बनाया है, यानी मेरे इन लॉज के लिए। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो वही काटेंगे ना, इसलिए मैं आपको काट के नहीं दिखा सकती। तो आपको अगर देखना है इसको कटा हुआ तो आप कल व्लॉग देख लीजिएगा, कल मेरी कल जो है व्लॉग आएगा इससे आगे का, क्योंकि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो इसी टाइप का केक पसंद करते हैं, तो मैंने इसीलिए मिल्क केक बनाया। और इसके दाने आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।